फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी हम कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की। तो पहले हम मेन मेन क्वेश्चन करेंगे। तो अब 4.4, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड आयन। इन मॉलिक्यूल एंड आयन की आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, कुछ एक के बना देता हूँ मैं आपको। वेट मेरे को, ओके जैसे अब इनके बनाने हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करना होता है, इसके मैंने आपको स्टेप बताए थे। स्टेप वन में आप क्या करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे। पहले हम एस टू एस की बात कर लेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाइड्रोजन में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस देखने हैं, टोटल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, और एक सल्फर है। तो हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन, और सल्फर में कितने होते हैं, सिक्स। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर। ओके, उसके बाद सेंट्रल एटम ढूंढ रहा है। सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम वो होगा जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा। ठीक है, वैसे भी हमें पता है हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पे आता है, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। ठीक है, तो सल्फर होगा सेंट्रल एटम, तो इट विल बी लाइक, ओके। तो अब इसका इंटेलिजेंस कैसे लगा लो, सल्फर के अराउंड दो हाइड्रोजन ऐसे लगा दें। टोटल इलेक्ट्रॉन आपने जो अरेंज करने हैं वो कितने हैं, एट। अब वो कैसे अरेंज करेंगे, दो इनके बीच में अरेंज कर देते हैं, दो इनके बीच में अरेंज करते हैं। ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए, बचे कितने हैं, चार इलेक्ट्रॉन बच गए। वो हम दोनों चारों के चारों सल्फर के ऊपर लगा देंगे। ऐसा करने से हुआ क्या, व्हाट इज द बेनिफिट, हाइड्रोजन्स का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दैट्स इट, क्लियर। तो आपके पास ये बन गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एच टू एस। ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब चलो, जैसे मैं अगर आप बोलूँ कार्बोनेट आयन का, अब कार्बोनेट का बना रहा हूँ मैं सारे नहीं बनाऊंगा, थोड़े मेन मेन बना देता हूँ। कार्बोनेट CO3 2-। ठीक है, अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन 1 × वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन प्लस 3 × वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, और इसके ऊपर -2 चार्ज भी है। -2 चार्ज का मतलब होता है दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन +2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कार्बन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6 + 2। तो टोटल कितने बने, 4 + 18 + 2, 24 इलेक्ट्रॉन। 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जिनको आपने अरेंज करना है इन चार एटम्स के बीच में ऐसे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ओके, तो अब इनमें से सेंट्रल एटम कौन सा ढूंढना पड़ेगा आपको, सेंट्रल एटम कौन सा होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कौन है, एक कार्बन है 3 ऑक्सीजन है, तो इनमें से लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कार्बन ही है, तो सेंट्रल एटम विल बी कार्बन। कार्बन के अराउंड आपको ऑक्सीजन अरेंज करनी है, दैट विल बी लाइक ऐसे अरेंज कर दो। ओके, ये इंटेलिजेंट गैस से ही होता है। ओके, ऐसे अरेंज कर दिया। अब आपने 24 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं, तो 2 2 2 लाइक दिस। उसके बाद ये 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने, 8 हो गए, 10 12। ठीक है, इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया हुआ है, इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, अभी बचे कितने हैं, 12 और बचे हैं, ये भी लेफ्ट। ठीक, उनको कैसे करें, 6 इसके राउंड लगा देते हैं, 6 इसके राउंड लगा देते हैं, हो गए 12, और इनके ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए लाइक दिस। ठीक, तो सभी के ऑक्टेट कंप्लीट, सभी खुश। ओके, सो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 2-। ओके, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होंगे ऐसे। ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन ऐसे दिखा दो लाइक दिस, और ये -2 चार्ज जो है वो ओवरऑल इनके ऊपर चार्ज हो गया -2। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, वेट, दैट्स इट। ओके, एक और कर देता हूँ मैं आपके लिए। दिस इज ये वाला, ये क्या है, दिस इज फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड। तो HCOOH इसका करना है आपने। ठीक, इसमें पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन है, एक नहीं, एक करो, इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। ठीक
है, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1, 2 इंटू 1। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, 1 इंटू 4। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इंटू 6। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 प्लस 4 प्लस 12, तो इसका बन गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। आपको टोटल 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको अरेंज करना है, ओके। और ऐसे अरेंज करना है कि सभी के ऑक्टेट डुप्लेट जो भी कंप्लीट होना है वो हो जाए। चलो देख लेते हैं करके कैसे हो गए। अब आपके पास है HCOOH, ये है। हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पे होता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सेंटर पे हो नहीं सकता, तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा? कार्बन। तो कार्बन विल बी द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। ये तो इंटेलिजेंट गैस से करना पड़ेगा ना, ठीक है। ये कार्बन सेंट्रल एटम हो गया, बाकी जो बचे वो सारे क्या होंगे? वो उसके सराउंडिंग में आएंगे। और दूसरा, हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पे होगा, तो इट मींस जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से लिंक्ड होगा डायरेक्टली, ओके। और हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीजन से एक इधर लगा दो, ओके। क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है कि जो ये वाला फंक्शन ग्रुप होता है इसको कौन सा फंक्शन ग्रुप बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर हम कुछ कुछ ऐसे बनाते थे, ऐसे, तो वैसा ही मैं थोड़ा रख रहा हूँ उसको, ओके। तो ये आ गया बस। अब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने अरेंज करने हैं? 18। 18 में से पहले दो तो इनके बीच में अरेंज कर दो, दो इनके बीच में अरेंज कर दो। हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट करो, हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए लाइक दिस, ठीक। और इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं अब? 14 इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 14 बच गए, ठीक। अब क्या करेंगे हम? 14 इलेक्ट्रॉन जो हैं कैसे रखें? इस ऑक्सीजन को पहले कंप्लीट करते हैं, ये लो, ये ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया, इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन और चले गए, कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, ओके। अब बचे कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, उनको इन दोनों में एडजस्ट करना है। तो चार यहाँ पे रखे मैंने, चार ऐसे रख दिए इस ऑक्सीजन के ऊपर। ऐसा करने से हुआ क्या? इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट और ये जो कार्बन है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। हाइड्रोजन के डुप्लेट, सभी हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और दोनों ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो दैट्स इट, वही आपने करना था। दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया आपके पास? सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, और बाकी आपने जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है उनको दिखाना तो है ही है, लाइक दिस, जैसे ये दिखाया मैंने, ओके। ये लोन पेयर आपने दिखाने होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी लोन पेयर, ये तो आपको पता ही है, ओके। तो दिस इज इट, तो ऐसा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। और इसका नेम वैसे क्या है? HCOOH, इसको क्या बोलते थे 10th में? बड़ा होगा फॉर्मिक एसिड, ओके। इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये वाला फंक्शन ग्रुप, इसको कौन सा होता है? इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 4.4 से तो हो गया। नेक्स्ट है आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवा रहा हूं मैं। नेक्स्ट आपके पास जो आपने करना है दैट इज 4.8। Although geometries of NH3 and H2O molecules are distorted tetrahedral, इन दोनों की tetrahedral geometry होती है, bond angle in water is less than that of ammonia, discuss. पर water में जो bond angle है वो 104 degree होता है, okay? Ammonia में 107 degree होता है, why so? Water का bond angle कम क्यों है ammonia से? दोनों की geometry तो same ही है, ये दोनों tetrahedral से derived हुई shapes होती हैं। जैसे वाटर की जो शेप है वो कौन सी होती है? दैट इज बेंट। और जो अमोनिया की जो शेप है उसकी कौन सी शेप होती है? पिरामिडल। ये दोनों जो शेप्स हैं ये किस ज्योमेट्री से ड्राइव होती हैं? टेट्राहेड्रल से, ओके। तो बॉन्ड एंगल में डिफरेंस क्यों है उसकी डिस्कशन करनी है। चलो देखते हैं, अगर हम वाटर की बात करें और अगर हम बात करें इस साइड अमोनिया की, तो वाटर के केस में बेसिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, क्योंकि अगर यहाँ पे लोन पेयर की बजाय बॉन्ड पेयर होते ऐसे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ओके क्लियर।
और अमोनिया के केस में भी बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास दैट विल बी लाइक एक लोन पर होता है नाइट्रोजन के ऊपर लाइक दिस। और ये कौन सी शेप है? दिस इज पिरामिडल शेप, ओके, एंड दिस इज बेंट शेप। इसको बेंट शेप भी बोलते हैं, वी शेप भी बोलते हैं, ओके। जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल होता है, अगर हम नॉर्मल टेट्राहेड्रल की बात करें, जैसे ए के अराउंड चारों जब बॉन्ड पेयर होते हैं उसको, तब बनता है ना नॉर्मल टेट्राहेड्रल, क्योंकि तब जो ज्योमेट्री आती है, जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होती है फिर उस टाइम। नॉर्मल टेट्राहेड्रल के केस में ये जो बॉन्ड एंगल है, दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट, ओके। ये सारे जितने भी बॉन्ड एंगल है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। बट जब आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इसके लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो है बट शेप बेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ गए हैं, ओके। तो इस टाइम इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 104 डिग्री है। और अमोनिया के केस में ये जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री है। वाई सो? उसका रीजन है रिपल्शन, ठीक है। आपको पता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो सबसे मिनिमम होती है, और अगर लोन पेयर किसी बॉन्ड पेयर को रिपेल करे वो ज्यादा रिपेल करता है, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 ये दो लोन पेयर हैं जो इन दो बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे हैं। ज्यादा एक्सटेंड में रिपेल करेंगे तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये अंदर को चले जाएंगे, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा, जैसे 104 डिग्री हो गया, ओके। और अमोनिया के केस में एक ही लोन पेयर है जो इन तीन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ओके। तो इस लोन पेयर की वजह से एक लोन पेयर थोड़ा कम रिपेल करेगा, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन कम हुई है, इन बॉन्ड्स की कॉन्ट्रैक्शन कम हुई है, तो इसलिए इनके बीच में एंगल अभी ज्यादा है, 107 है, इसके केस में 104 है। तो ये रीजन है कि दोनों की ज्योमेट्री जिनसे इनकी शेप्स ड्राइव हुई है वो टेट्राहेड्रल है, बट फिर भी इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री क्यों है और इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री क्यों है, दिस इज द रीजन, ओके। ओके, सो 4.8 इज डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज 4.12। H3PO3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर 1 and 2 एज शोन बिलो। ये स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाए हुए हैं। कैन दीज स्ट्रक्चर्स बी टेकन एज द कैनोनिकल फॉर्म्स? कैनोनिकल फॉर्म्स का मतलब होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंटिंग द H3PO3, इफ नॉट गिव रीजन फॉर द सेम। इन दोनों को, चलो इस क्वेश्चन से पहले मैं पहले ये वाला करना चाहूंगा 4.13, ठीक है, इसके बाद इसको करेंगे। राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ SO3 NO2 NO3 NO3 नेगेटिव। चलो इनके करते हैं। सबसे पहले आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं SO3। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए रूल्स जो है वो तो मैं पूरा नहीं बोलूंगा, पर आपको इतना पता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, पोजिशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, नॉट पोजिशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल में आपके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं और जो आपके पास पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे, उनकी पोजिशन डिफरेंट होगी ड्यूरिंग रेजोनेंस, और कुछ डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है, चलो जान लिया। अब सबसे पहले SO3 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। SO3 का स्ट्रक्चर होता है, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दैट इज लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO3, ओके, ये बन गया। वेट 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 वेट, यहाँ पे ये दो दो इलेक्ट्रॉन नहीं आने, ओके, ये बन गया। अब इसकी रेजोनेंसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? रेजोनेंस हो सकती है कि ये वाले दोनों पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएं, तो क्या बन जाएगा, इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन सल्फर का था, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, बट जब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि सल्फर का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला गया ना उसके ऊपर, तो इट विल बी लाइक ये आया, इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव। तो ये आपका बन गया एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। हालांकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू इस स्ट्रक्चर के, ओके। और ऐसे ही आप इस बॉन्ड के लिए आपने ऐसा किया, बट अगर आप ये यहाँ पे ना करके इसके लिए कर देते
ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट कर दिए, ओके, सल्फर का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, तो ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो मतलब इससे आप ऐसे भी कर सकते थे, एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे लाइक दिस और सल्फर पे पॉजिटिव आ जाता। अगर ये आपका जो रिएक्टेंट है ये ओवरऑल न्यूट्रल है, इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं ना, जो रेजोनेंस के दौरान चार्जेस अपेयर होंगे दे विल बी आल्सो बी इक्वल एंड ऑपोजिट, ये अभी भी ओवरऑल न्यूट्रल ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव अपेयर हुआ बट पॉजिटिव नेगेटिव का ओन दी होल सम करने के क्या चार्ज बनेगा, जीरो ना। इस पे पहले भी चार्ज जीरो था और रेजोनेंस के बाद भी चार्ज जीरो ही है और इस स्ट्रक्चर में भी चार्ज जीरो ही है इसके ऊपर, ओके। नेक्स्ट, ये ऐसा इस बॉन्ड के लिए भी कर सकता था, तो अगर इस बॉन्ड के लिए कर देता तो दैट विल बी लाइक तब यहाँ पे ऐसा हो जाता, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये चारों आपस में क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। तो ये तीन चारों आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं इसके SO3 मॉलिक्यूल के। अब आप इसमें इनमें कर क्या रहे थे, आप देखो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज कर सकते हो। जैसे जब पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो इस ऑक्सीजन के ऊपर ये वाला देखो, पहले इसके के ऊपर कितने लोन पेयर थे, 2, अब कितने हैं, 1, 2, 3, 3 लोन पेयर हैं। पहले भाई पाई बॉन्ड कितने थे, 1, 2, 3, पहले 3 पाई बॉन्ड थे ना SO3 मॉलिक्यूल में, अब पाई बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 2 पाई बॉन्ड रह गए बस, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि एक पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर चले गए एज अ लोन पेयर, ठीक है। पहले टोटल लोन पेयर कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोन पेयर थे, 6, और बॉन्ड पेयर पाई बॉन्ड पेयर कितने थे, पाई बॉन्ड पेयर थे 3, 1, 2, 3। पाई बॉन्ड का मतलब, बॉन्ड पेयर का मतलब जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं वो। अब इसमें जब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया तो इसमें टोटल लोन पेयर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, कौन से बॉन्ड पेयर की बात कर रहा हूँ मैं, पाई बॉन्ड पेयर की, सिग्मा बॉन्ड पेयर की बात नहीं करनी, 1, 2। तो पाई बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड पेयर का सम कितना बन रहा है, 9, और इसमें लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड पेयर का सम कितना बन रहा है, 9, दोनों में सम 9 बनेगा लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड पेयर का, ओके। दोनों में क्या है, इवन इसमें भी और इसमें भी लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड पेयर का जो सम है वो दैट विल बी इक्वल। तो यहाँ यहाँ से मैं आपको एक और कंक्लूजन निकाल के बता सकता हूँ, दैट इज सम ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस पाई बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं किसी मॉलिक्यूल के लिए उन सभी में सम ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का जो सम होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। जैसे यहाँ पे ये सम 9 है, इसके लिए भी 9 है, इसके लिए भी 9 है, इसके लिए भी 9 है और इसके लिए भी 9 है, ठीक है। फिर ये नहीं आपको कंक्लूजन करके बताई मैंने ये वाली, ये चाहे आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। अब जैसे देखो एक और जो अगला एग्जाम्पल कौन सा था NCERT में, NO2 का। अब NO2 का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं पहले, NO2 लाइक दिस, ठीक है। NO2 में क्या होता है, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6, दूसरे के भी 6। तो इसका अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे दैट विल बी लाइक, नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, लाइक दिस। ये होता है नाइट्रोजन का NO2 का स्ट्रक्चर, ये होता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। आपको पता है ऑक्टेट रूल कई जगह फॉलो नहीं होता, उसका एक एग्जांपल ये भी है, ठीक है। अब इनमें देखो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 2, एक ही पेयर है, मतलब पेयर देखना है, 5 प्लस 6 कितना, 5 प्लस 1 कितना होगा, 6। अब इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा बन सकता है,
ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर चला जाए, ठीक है, ये वाला बॉन्ड एज इट इज इधर चला जाए। नहीं, वेट 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 वेट, इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको बनाते हैं, वेट, एंड यहाँ पे इट विल बी लाइक ये। अब ऐसा हो सकता है कि ये वाले यहाँ पे आए बॉन्ड बनाने के लिए, ओके, और ये वाला दोनों उठ के यहाँ पे चले जाएं, ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा एंड इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड इट विल बी लाइक दिस। अब चार्जेस डेवलप होंगे, ये तो न्यूट्रल था, चलो ओवरऑल दिस इज न्यूट्रल, इसमें ओवरऑल चार्जेस हैं, चार्ज बनेगा, बनेगा कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, देखो इस ऑक्सीजन ने जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहा, ये दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट्स इट। और एक और चीज, यहाँ पे ये वाला जो आपका पाई बॉन्ड वाला पेयर है, जब ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो था वो चला गया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया और ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि जब ये मूव किया, तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा नहीं, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर गया, ठीक है, तो अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर लाइक दिस, ओके, तो ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना है, ओके। इसके ऊपर भी देखो, ये ओवरऑल न्यूट्रल ही है, ओवरऑल तो चार्ज इसके ऊपर जीरो है, इसके ऊपर भी ओवरऑल चार्ज जीरो है, ओके। अब इसमें अगर लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन का सम करें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 प्लस 1, और नहीं पेयर काउंट करने है ना, 1 2 3 4 5, 5 पेयर है लोन पेयर, और पाई बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक पाई बॉन्ड पेयर है, टोटल हो गए 6। इसमें लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड पेयर कितने हैं देखें, 1 2 3 4 5, लोन पेयर हो गए 5, पाई बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही है पाई बॉन्ड पेयर, 6। तो जो NO2 की आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है, उनमें भी देख लो आपके पास ये दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट ही होता है, ओके, सेम ही आपके लिए NO3 नेगेटिव आयन के लिए हो जाएगा, ओके। अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 4.12, इन्होंने बोला है H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड के लिए ये दो स्ट्रक्चर पूछे दिए हुए हैं, उन्होंने पूछा है कि ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ठीक है, बट मैं अगर मैं देखूं ध्यान से, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या पेयर होगा, मैंने क्या बोला था कि एटम्स की पोजीशन कभी भी डिफरेंट नहीं करनी है आपने, सिर्फ लोन पेयर और पाई बॉन्ड पेयर की आप पोजीशन डिफरेंट कर सकते हो, ओके। बट इसमें देखो, फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन बाउंडेड था ऐसे, यहाँ पे वो हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ बाउंडेड नहीं है, ऑक्सीजन के साथ बाउंडेड है, ओके, तो इट मींस आपने हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दी, दैट इज नॉट पॉसिबल इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को चेंज कर सकते हो, एटम जहां पे हैं वहीं पे रहने चाहिए, दे कैन नॉट बी चेंज्ड। जैसे यहाँ पे देखो, किसी में भी मैंने ये थोड़ी ना किया कि ऑक्सीजन यहाँ से उठा के इस ऑक्सीजन के ऊपर लगा दिया ऐसे करके, और यहाँ पे लगाया नहीं कुछ, नहीं, ठीक है, एटम्स की पोजीशन डिफरेंट नहीं करते रेजोनेंस के दौरान, ओके। तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, दीज आर नॉट दी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ईच अदर, ठीक है, क्लियर, तो दिस इज इट, ये आपने अपने दिमाग में रखना है, तो दैट्स इट, तो दीज टू आर नॉट कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, क्योंकि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज डिफरेंट इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू फॉस्फोरस, बट इन दिस सेकेंड स्ट्रक्चर दैट हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू दी ऑक्सीजन, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज डिफरेंट, ओके। उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4.20, द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ CH3COOH एज शोन बिलो इज करेक्ट, बट सम ऑफ द बॉन्ड्स आर शोन इनकोरेक्टली, ठीक है, स्केलेटल स्ट्रक्चर ठीक है, मतलब जहां पे पोजिशन होनी चाहिए वो ठीक है, बट कुछ बॉन्डिंग में प्रॉब्लम है,
राइट दी करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ दी एसिटिक एसिड। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखो ये वाली, हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि हाइड्रोजन ने सिर्फ अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, अगर इसको मैं इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करूं बॉन्ड को, दैट विल बी लाइक ठीक, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस हाइड्रोजन के अराउंड चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, ओके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए था, क्योंकि डबल बॉन्ड होगा तभी इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ओके, क्लियर। तो ये प्रॉब्लम है इस स्ट्रक्चर में, दिस वॉज दी मेजर प्रॉब्लम, ओके, तो आपने ऐसे करना है, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर एक और लोन पेयर चाहिए, कार्बन के ऊपर लोन पेयर नहीं चाहिए, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर चाहिए, क्योंकि कार्बन के ऊपर जैसे अगर आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड जब बनाया तो चार इलेक्ट्रॉन इधर हो गए कार्बन के इस साइड, दो इधर दो इधर, टोटल हो गए आठ, और ये दो दस, कार्बन के राउंड दस इलेक्ट्रॉन क्यों है, कार्बन कभी भी दस इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर सकता, ओके, तो इसका जो एक्चुअल में लुईस स्ट्रक्चर है दैट इज वो ये है, दिस इज द एक्चुअल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या गलतियां हैं, एक तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो नहीं होना चाहिए, और ये लोन पेयर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे चाहिए, और ये वाला लोन पेयर इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस वाज द प्रॉब्लम इन दिस स्ट्रक्चर। इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे पोजिशन होनी चाहिए वो ठीक है, कार्बन यहीं पे चाहिए, हाइड्रोजन यहीं पे चाहिए, ऐसे ऑक्सीजन भी यहीं पे चाहिए और कार्बन यहीं पे चाहिए, इनमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉन्स की पोजिशनिंग में जो इन्होंने कर रखी है, सारे ही अटेम्प्ट कर लिए हुए हैं, पर फिर भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोबारा करवाना चाहूंगा, 4.23, विच आउट ऑफ अमोनिया एंड NF3 हैज द हायर डाइपोल मोमेंट एंड व्हाई। अमोनिया और NF3 दोनों की जो शेप और ज्योमेट्री है वो सेम है, कौन सी, दैट इज पिरामिडल, जैसे अमोनिया के केस में ये होती है और NF3 के केस में भी यही होगी, लाइक दिस, ओके, बट फर्क कहाँ पे आता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो डायपोल मोमेंट इन तीनों बॉन्ड्स की इधर को आएगी और इस लोन पेयर की इधर को आएगी, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट इन तीनों, ये डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इन तीनों के डायपोल मोमेंट प्लस ये वाले डायपोल मोमेंट ओवरऑल जुड़ के एक बड़ी डायपोल मोमेंट बनाएंगे, तो अमोनिया के डायपोल मोमेंट 1.8 डीबे के अराउंड होती है, ओके, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को भी याद नहीं है, 1.8 डीबे के अराउंड होती है, बट NF3 के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, तो इसकी डायपल मूवमेंट बॉन्ड की इधर को, इस बॉन्ड की डायपल मूवमेंट इधर को, इस बॉन्ड की डायपल मूवमेंट इधर को, बट जो लोन पेयर है इसकी डायपल मूवमेंट उधर को, इन तीनों की ओवरऑल डायपल मूवमेंट बनेगी इस साइड को, और जो लोन पेयर की डायपल मूवमेंट है वो अपोजिट साइड को, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो NF3 के केस में इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी थोड़ी बहुत डायपल मूवमेंट, तो जो डायपल मूवमेंट की वैल्यू आती है वो 0.3 डीबे के अराउंड आती है, तो NF3 के केस में डायपल मूवमेंट इज वेरी वेरी लो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ओके, क्योंकि ये जो तीन NF वाले बॉन्ड है उनकी डायपोल मूवमेंट एक डायरेक्शन को है जैसे नीचे, और जो लोन पेयर की डायपोल मूवमेंट है वो ऊपर को है, हालांकि लोन पेयर की डायपोल मूवमेंट की वैल्यू कम है जो इन तीनों का सम आया था उससे, जो तीन NF3 वाले बॉन्ड आए थे, और ओवरऑल डायपोल मूवमेंट कहाँ को बनी है, नीचे को, ओके, बट वो बहुत थोड़ी बन गई है, जब ये तीनों का, जब तीनों ऐसे थे तो इन तीनों का सम इधर को बन रहा था वेक्टर वाला, और साथ में लोन पेयर वाला भी आपने ऐड कर दिया, तो इन दोनों का जो सम करके ओवरऑल इधर को बनी बड़े वाली, तो इसलिए अमोनिया के डायपोल मोमेंट इज वेरी वेरी हाई एज कंपेरिजन टू NF3, ओके, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, कह रहे हैं कि चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन कोई हुआ है, इफ एनी ऑफ द एल्यूमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज आया है, अगर आया है तो बताओ कैसे। अब इसको मैं पूरा डिटेल में सॉल्व करना चाहूंगा आपके लिए, वेट, सो दिस इज इट, ये है आपके पास। अब इसमें पहले AlCl3 की बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करते हैं, एक बार आपका रिकॉल भी हो जाएगा कैसे आते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, वैलेंस शेल कौन सा है, थर्ड वाला, लास्ट वाला, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल्यूमिनियम इज इक्वल टू
नियॉन 10, 3s2, 3p1, ठीक है। तो 3s2 से 3p बना, हालांकि 3d भी आ जाता है, 3d की शुरुआत थर्ड से हो जाती है। जैसे n इक्वल टू 1 में क्या होता है, सिर्फ s होता है, 1s। n इक्वल टू 2 में क्या होता है, 2s और 2p होता है। n इक्वल टू 3 में क्या होता है, 3s, 3p, 3d भी होता है। ओके, तो 3d भी है। ओके, हालांकि वो खाली है, हमें चाहिए भी नहीं। अब जब AlCl3 बना था, तब एल्यूमिनियम को 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए थे। क्यों चाहिए थे, क्योंकि 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, जो क्लोरीन होता है ये वाला, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो एल्यूमिनियम को 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए थे, 3 ऐसे फ्लोरीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए। तो 3 हाफ फिल्ड उसने कैसे बनाए, एल्यूमिनियम ऐसा था, उसने अपने आप को करा एक्साइटेड। एक्साइट कैसे करा, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से उठ के, आपका जो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है उसने एक्साइट किया अपने आप को, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया, इन ऑर्डर टू गेट 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो क्या बनेगा आपके पास, एल्यूमिनियम 3s1, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए लाइक दिस। ओके, तो इट मींस अब एल्यूमिनियम को कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करवानी पड़ेगी, 1, 2, 3, 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन गए, और इसको उसको 3 क्लोराइड जोड़ने हैं अपने साथ। AlCl3 की बात कर रहा हूँ अभी मैं। ओके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू अंडरगो sp2, 1s 2p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, और जो 3 क्लोरीन होंगे वो यहाँ पे आके ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, 1 क्लोरीन यहाँ पे और 1 क्लोरीन यहाँ पे, 1 क्लोरीन यहाँ पे। ये जो क्रॉस है इससे आप, मैं इलेक्ट्रॉन का, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ। ओके, लाइक दिस। तो जो AlCl3 है इसमें एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2। अब जब उसने अपने अंदर एक सीएल नेगेटिव आयन को अकोमोडेट किया, सीएल नेगेटिव आयन क्या होता है, ये खुद फुली फिल्ड ही होता है, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ठीक है। जब ये एल्यूमिनियम में ऐड होगा, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ AlCl4-। अब ये सी एल नेगेटिव आयन ऐड कहाँ पे होगा, किसी एम्प्टी ऑर्बिटल में ऐड होगा, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करवा के ऐसे, ठीक है। तो तब एल्यूमिनियम को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला था हाइब्रिडाइजेशन एम्प्टी ऑर्बिटल्स की भी हो जाती है, तब एल्यूमिनियम को इस ऑर्बिटल को भी अपनी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो इट मीन्स उस टाइम क्या चेंज देखने को मिलेगा, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ नीचे। तब एल्यूमिनियम को, एक तो ये हो गया 3s 3p, 3p में आपके पास एक्साइटेड एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे था ना, क्लियर। बट एल्यूमिनियम ने अपना तब एम्प्टी ऑर्बिटल भी, ये वाला भी इंक्लूड कर लेना है हाइब्रिडाइजेशन में, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा, sp3। 3 क्लोरीन जुड़ जाएंगे ऐसे आप उसके साथ आगे, और जो क्लोराइड आया ना, ये वाला जो उसमें ऐड हो रहा है, इसको इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ये तो फुली फिल्ड ही है खुद ऐसे, ये क्लोराइड आयन क्या करेगा, दिस विल फॉर्म अ डेटी बॉन्ड हियर, दिस इज क्लोराइड आयन एडेड टू AlCl3। ओके, तो AlCl4- में जो एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन है उसको अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज करनी पड़ेगी। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी एल्यूमिनियम की, sp3। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एल्यूमिनियम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में था पहले, अब जो एल्यूमिनियम है AlCl4- में, ये वाला एल्यूमिनियम, इट इज इन दी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक पी इसने एम्प्टी ऑर्बिटल भी काउंट किया है, एम्प्टी ऑर्बिटल की भी हाइब्रिडाइजेशन करवाई है, क्योंकि ये वाला एम्प्टी ऑर्बिटल इस क्लोराइड आयन को अकोमोडेट करने के लिए लगेगा, जैसे यहाँ पे दिखाया ना मैंने, ये क्लोराइड आयन को अकोमोडेट कर रहा है ये वाला एम्प्टी ऑर्बिटल। सो दिस इज इट। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि क्या चेंज है, चेंज है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवाना, दिस इज द चेंज विच इज देयर इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम एटम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 4.26, ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, इज देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, Bf3 इज एडेड टू NH3, देर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ओके, अब इसको पहले लिख लेता हूँ मैं एक बार, दोबारा आपको कर देता हूँ,
बी एफ थ्री प्लस अमोनिया इज गोइंग टू गिव दिस कॉम्प्लेक्स। अब इनमें देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, पहले बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे और इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बी एफ थ्री में हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। बोरोन इज द सेंट्रल एटम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p1। बोरोन है तो 2p1, ओके, 5 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसको दिखाते हैं, बोरोन 2s 2p, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करते हैं ना ज्यादातर, तो 2s2 2p1 लाइक दिस। उसके बाद बोरोन एक्साइट हुआ, एक्साइट कर दिया, एक्साइट मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया, क्योंकि तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनाने हैं, क्योंकि तीन फ्लोरीन अकोमोडेट करवाने हैं। यहाँ पे देखो ना, बी के साथ तीन फ्लोरीन जुड़े हैं, तो तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए तीन फ्लोरीन को जोड़ने के लिए। तो व्हाट विल हैपन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस, ये 2s ये 2p। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी अब, sp2। क्यों? क्योंकि उसको तीन ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए हाफ फिल्ड, तीन फ्लोरीन को अकोमोडेट करवाने के लिए। तो वो तीनों की करवाएगा, वो चौथे की क्यों करवाएगा, इसको नहीं चाहिए उसको, ओके। तो तीन फ्लोरीन अब क्या करेंगे, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो तीन फ्लोरीन यहाँ के जुड़ जाएंगे, 1 2 3, ये तीन फ्लोरीन जुड़ गए ओके बोरोन के साथ, ओके, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ BF3। तो BF3 में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब बात करते हैं NH3 की, NH3 की भी हाइब्रिडाइजेशन देख लेना, सेकंड है NH3। अब इसमें नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो नाइट्रोजन के लिए ये 2s है, ये 2p है, 2d होता भी नहीं है ये, उसने तीन हाइड्रोजन जोड़ने अपने साथ, तीन हाइड्रोजन जोड़ने के लिए उसके पास तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ये होंगे ओके, ऑलरेडी हैं, एक्साइटेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। तो नाइट्रोजन ने क्या करना है, ये p3 हाइब्रिडाइजेशन तो कभी होती नहीं है, हमेशा s तो इंक्लूड होता ही है, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन कौन सी करवानी पड़ेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, जो तीन हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आके ऐसे जुड़ जाएंगे लाइक दिस, ठीक। तो NH3 में जो नाइट्रोजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3, ओके। एक जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है दैट इज फुल्ली फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये फुल्ली फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ओके, क्लियर। अब ये देखते हैं, जब ये वाला कंपाउंड फॉर्मेशन हुई है, अब इसमें क्या चेंज आएगा, नाइट्रोजन जो है वो एक डेटी बॉन्ड बनाएगा बोरोन के साथ। डेटी बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को बिलोंग कर रहे हैं, वो पक्का ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन थे जो फुल्ली फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना है, ठीक है। नाइट्रोजन ने ये वाले पक्का दो इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको डाल देना है किसमें, बोरोन के इस एम्प्टी ऑर्बिटल में, ओके, ये होगा, ये पक्का यही चीज होनी है। नाइट्रोजन का ये वाले जो दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, ये फुल्ली फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना जो बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व नहीं हुआ था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें उसने कॉन्ट्रीब्यूट करवा देने हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के आपको एक्सप्लेन करूं, तो बोरोन क्या होगा, दिस विल बी द BH3, ये उसका एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, और अमोनिया के केस में नाइट्रोजन का ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, BF3 रुको, यहाँ पे BF3 बनाना है, दिस इज BF3 और यहाँ पे दिस इज NH3, ओके, ये क्या है, दिस इज दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, और ये क्या है। अब ये क्या होगा, जब अगर बोरोन को ये वाला ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में लेके आना है, तो उसको इसमें इसको भी हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल में काउंट करना पड़ेगा, क्लियर। तो इट मींस जो आपके पास यहाँ पे BF3 है, इसकी बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, तब जो बोरोन है दैट विल शो, मेरे को पेन चेंज करने दो, लेट इट बी दिस, तब बोरोन ये वाली हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा, कौन सी, sp3 विद
वन एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर वन लोन पेयर टू अकोमोडेट। उस लोन पेयर को अकोमोडेट करने के लिए उसने sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा ली और ये खाली ऑर्बिटल भी अपने में काउंट करवाया। ओके, तो दिस इज दी, व्हाट इज दिस, दिस इज दी न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन टू अकोमोडेट अकोमोडेट लोन पेयर, लोन पेयर को अकोमोडेट करने के लिए। इसलिए अब ये यहाँ पे डेटी बॉन्ड बन जाएगा, देर इज परमिशन ऑफ। आप इसको ऐसे दिखाओगे, कलर वही रखते हैं, वेट। यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है उसने ये दोनों लोन पेयर, दोनों अपने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन डाल दिए डेटी बॉन्ड बनाने के लिए, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आपका जो कॉम्प्लेक्स बना है जिसको आपने ऐसे दिखाया हुआ है, BF3। अब इस कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3, और बोरोन की भी क्या है, sp3। ओके, बट अगर जब ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना था उससे पहले क्या था, जो बोरोन था उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी, sp2। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी, sp3। अब बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3, और नाइट्रोजन की भी sp3। तो नाइट्रोजन की तो नो चेंज, नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कोई चेंज नहीं है, जो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 से हो गई है sp3, ये वाला चेंज देखने को मिला है आपको बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन में इन केस ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ओके, ठीक है। जो आपका C2H2 है उसका जो आपके पास नेम है वैसे क्या होता है, इथाइन, और जो C2H2 है वो क्या है, वो एथीन। ओके, ये एल्कीन की कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये एल्काइन की कैटेगरी को बिलोंग करता है। ओके, और C2H2 के केस में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, C2H2 में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एग्जिस्ट करता है, तो बस आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। दिस विल बी सिग्मा, ये बीच वाला सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में ये जो दो बॉन्ड है दीज आर पाई, सिग्मा 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 पाई, इसमें पाई एक ही है, तो टोटल सिग्मा कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड इसमें है 3, पाई कितने हैं 2, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 और पाई कितने हैं 1। ओके, तो दिस इज इट, ये नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट कर लिए हमने ये 4.28 वाले क्वेश्चन में जिन्होंने बोला था। ओके, तो ये आपके सारे मेन मेन क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक। आपने कुछ एक क्वेश्चन जैसे ये 4.30, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाले क्वेश्चन आ गए ये वाले। ओके, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी बुक में से देख के करो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कंसल्ट टुमारो ऑल्सो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।